हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम CSCID के द्वारा जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय हो या निवास, इनके अप्लाई के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बन रही मेरे साथ भी इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और पास में मेरे घंटी के आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारी नई नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मैंने अपनी CSCID से यहाँ लॉगिन कर लिया है और यहाँ मैं जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देता हूँ तो नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है, आप ग्रामीण है या नगरीय, प्रार्थी का नाम आप यहाँ डाल देना है जिसका आपको प्रमाण पत्र बनाना है, पिता या पति का नाम यहाँ डाल देना है आपको, माता का नाम यहाँ फिल कर देना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, पता, मकान नंबर डाल देना, मकान नंबर, मोहल्ला, जनपद यहाँ आपको फिल कर देना है, जनपद और तहसील यहाँ आपको थाना फिल कर देना है, तहसील डिस्ट्रिक्ट पहले से ही चुना हुआ है, यहाँ आपको ग्राम का नाम डाल देना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है, निवास की अवधि आपको फिल कर देनी, निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो कब से रहते हैं, जन्म से या कुछ ही वर्ष से यहाँ रहते हैं, प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है, कैसे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है या नहीं हुआ, पहले अप्लाई किया था या नहीं किया था उसके लिए आपको फिल कर देंगे, हाँ या नहीं था तो मैंने नहीं कर दिया है, आवेदन शुल्क का भुगतान के लिए हाँ कर दें या आधार नंबर डाल के, और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स फिल कर देने हैं। सबसे पहले आपको फ़ोटो चूज़ करना है, उसकी फाइल को अपलोड कर देना है, फिर सेकेंड नंबर पर आपको स्वयं प्रमाण घोषणा पत्र चूज़ करना है, उसकी इसकी फाइल को भी अपलोड करना है। कम से कम आपको 3 डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड करने हैं, राशन कार्ड या फिर अन्य में करके आप आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप सारी डिटेल फिल कर देते हैं उसके बाद आपको दर्ज करे पर क्लिक कर करना है तो उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपको कोई मिस्टेक लग रही हो तो उसे आप एडिट कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो तो उसे आप एडिट करके वहाँ से दर्ज करे पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको फीस का प्रोसेस ओपन हो जाएगा, फीस आपको काट देनी है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा अपने CMS पोर्टल के द्वारा इसकी फ़ीस काटनी है आपको, या जनसेवा केंद्र जिसकी वजह से भी आप फीस काटो उससे ही आपको फ़ीस काट देनी है इसकी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था आपके, फिलहाल आपके बताने के लिए ही। जैसे ही कोई मैं अगली बार लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और पास में अपने घंटी के आइकन को भी दबा दो।